जय हिंद हमारे सभी व्यूअर्स को। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अग्निवीर की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे अग्निवीर ट्रेनिंग स्केड्यूल के बारे में। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में किस तरीके से आपका ट्रेनिंग स्केड्यूल रहने वाला है, उसके ऊपर आज पूरी चर्चा हम करने वाले हैं। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारी बाकी वीडियोज को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट आप अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें। और जो सब बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अग्निवीर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की बुक्स हमारे पास हमारी वेबसाइट agniveeronline.com पर अवेलेबल है। तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, अपने लिए बुक परचेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ट्रेनिंग में क्या होने वाला है, उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि कितना हमारा ट्रेनिंग का टाइम पीरियड रहने वाला है। तो 31 वीक की हमारी ट्रेनिंग रहने वाली है, जो कि ऑल इन ऑल 6 महीने बनता है। पहले ये ट्रेनिंग 9 महीने की हुआ करती थी, बट इसको काट के अब 6 महीने कर दिया, बिकॉज 4 साल का अगर आपका अग्निवीर का टेन्योर है तो उसमें अगर आप 9 महीने ट्रेनिंग में ही काट दोगे तो फिर आपके पास ज़्यादा टाइम सर्व करने के लिए बचेगा नहीं। तो इसी वजह से इसको 31 वीक का ट्रेनिंग कर दिया गया है। ठीक है, अब इस 31 वीक्स के ट्रेनिंग में आपको एक फुल फ्लेज सोल्जर पूरा बना दिया जाएगा। और इसके साथ ही साथ कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, ड्रिल, फिजिकल फिटनेस, इन सब चीज़ों पे आपका खासा ध्यान दिया जाएगा। और इसके अलावा नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, ये 4 चीज़ें तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में कॉमन रहने वाली है। इसके अलावा जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेड वाइज डिफरेंशिएट कर जाती है। लेट से अगर आप आर्मी में ही टेक्निकल ट्रेड में है तो आपको फर्दर जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो टेक्निकल पार्ट में होगी। अगर आप एक जनरल ड्यूटी सोल्जर हैं तो आपकी ट्रेनिंग अलग वेपन्स के ऊपर होगी या जो भी उस ट्रेड की रिक्वायरमेंट्स है उसके ऊपर होगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में किस किस तरीके से स्केड्यूल चलने वाला है। बात करते हैं अग्निवीर आर्मी ट्रेनिंग की। तो इसमें आपका जनरली सुबह आप लोग जल्दी उठ जाओगे, जिसमें कि आपकी 40 मिनट की पीटी होती है। उसके बाद आपका होता है एक, आपको बुलाया जाता है रोल कॉल के ऊपर, उसमें आपको पूरा मतलब ब्रीफ करा जाता है कि दिन भर में आपका क्या काम होने वाला है। उसके बाद होता है आपका ब्रेकफास्ट, एंड देन सुबह के 8:30 से लेकर 12:30 बजे तक आपकी ट्रेनिंग एक्टिविटीज चलती हैं, जो कि अलग अलग होती हैं, जिसमें कभी आपको वेपन ट्रेनिंग दिया जाएगा, कभी आपको FCBC सिखाया जाएगा, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट। इसके अलावा आपको चीज़ों के बारे में पढ़ाया भी जाएगा, वो सब होने वाला है 8:30 से लेकर 12:30 के बीच में। इसके बाद जो ऑफिसर्स और सोल्जर्स होते हैं वो सब लंच पे जाते हैं अपना। ठीक है, लंच के बाद आपको थोड़ा टाइम रेस्ट के लिए मिलेगा। उसके बाद होंगे आपके गेम्स। उसके बाद आर्मी में, खासकर ये बता रहा हूँ मैं, वेडनेसडेज एंड सैटरडेज को ऑन रहता है, मतलब कोई गेम नहीं होता उस दिन। आपको प्रॉपर ड्रिल ड्रिल आपकी ये सब चलती रहती है, और संडे आपका ऑफ रहता है। संडे में बेसिकली आपको आप अपने कपड़े धो सकते हो, या अगर आपको आउटिंग जाना है तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको अपकमिंग इवेंट्स, जो भी गेम कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इन सब की भी तैयारी साथ साथ ये लोग करवाते रहते हैं। तो ऑल इन ऑल जब आप पूरा 6 महीना अपना पूरा ट्रेनिंग का कर दोगे, उसके बाद आप फुल फ्लेज सोल्जर बन के निकलोगे आर्मी से। ठीक है, इस तरीके से कुछ आपका रूटीन रहने वाला है इनिशियल टाइम में। जब आपकी एडवांस ट्रेनिंग होगी उसमें आपको आपकी ट्रेड वाइज पढ़ाई कराई जाएगी। लेट से अगर आप क्लेरिकल डिपार्टमेंट से हैं तो आपको क्लेरिकल का काम, आपको किस तरीके से बुक कीपिंग की जाती है, किस तरीके से कंप्यूटर्स को यूज करा जाता है फौजी वे में, वो सब चीजें आपको सिखाई जाने वाली है। अब हम बात करते हैं नेवी की ट्रेनिंग की। तो नेवी की ट्रेनिंग में आपको मेजरली फिजिकल फिटनेस, जो कि सुबह आपका वही, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मैंने आपको बताया था कि सुबह का स्केड्यूल इनका सेम होता है, जिसमें 1 से 2 घंटे की फिटनेस आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, कैलिस्थेनिक्स, रनिंग, अदर एक्सरसाइजेस टू बिल्ड स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड डिसिप्लिन, ये सब आपका देखा जाएगा। क्लासरूम इंस्ट्रोडक्शन, मतलब क्लासरूम में आपको हर दिन 3 से 4 घंटे तो देने ही होंगे चीज़ों को समझने के लिए। एक बात ये भी है कि नेवी और एयरफोर्स में ज़्यादा पढ़ाई पे तवज्जो दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू आर्मी, क्योंकि इसमें आप मशीन्स के ऊपर काम कर रहे हो, ना कि अपने ऊपर। इसके बाद होगा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में लेट से आप नेवी में शिप में है तो शिप में किस तरीके से क्या कार्रवाई की जाती है ये आपको सिखाया जाएगा। किस तरीके से कंपोनेंट्स होते हैं शिप के, किस तरीके से क्या चीज़ चलती है, वो सब आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। ड्रिल एंड सेरेमनीज में आपको सिखाया जाएगा कि ड्रिल किस तरीके से करी जाती है, मिलिट्री ड्रिल। ठीक है, मील्स में आपका खाना किस तरीके से आपको खाना है, किस तरीके से अगर कोई स्टाफ डिनर होता है उसमें किस तरीके से आपको बैठना है, ये सब चीज़ें। रिक्रिएशनल टाइम में आपको इवनिंग में आप पढ़ाई कर सकते हो, आप पर्सनल एक्टिविटीज़ कर सकते हो, वो टाइम बेसिकली आपके लिए होता है। सेफ्टी ट्रेनिंग में मेजरली आपको किस तरीके से पूरा
प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं इमरजेंसीज के दौरान, वो सिखाए जाते हैं, बिकॉज शिप में कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम। तो ये ट्रेनिंग आपको आर्मी में नहीं दिखेगी, बट नेवी एयरफोर्स में पक्का आपको देखने को मिलेगी मिलेगी। अब बात करते हैं अग्निवीर वायु ट्रेनिंग की। एयरफोर्स वालों का प्रोसीजर बेसिकली इनिशियल डेज में आपका वही होने वाला है, जिसमें कि आपको ड्रिल सिखाई जाती है, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग सिखाई जाती है, ठीक है। इसमें आपको कपड़े किस तरीके से पहनने हैं, चलना किस तरीके से है, जहाँ आप रह रहे हो उसको मेंटेन कैसे करना है, वो सब आपको इनिशियल डेज में सिखाया जाएगा। उसके बाद आपको सिखाया जाएगा जो इनिशियल डेज के बाद आपका आता है रियल, मतलब जिसमें आपका एक्चुअल में ट्रेनिंग होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपको ड्रिल, एडवांस लेवल की ड्रिल, फिटनेस, न्यूट्रिशन, आईडी, वेपन, ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। एयरफोर्स की हिस्ट्री आपको सिखाने के लिए आपकी क्लासरूम्स में क्लासेस होती हैं, जिसमें आपको एयरफोर्स के बारे में इसके अलावा भी जो जो कंपोनेंट्स है एयरफोर्स के, वो सब चीज़ें भी आपको पढ़ाई जाती है। देन मेंटल प्रिपेयरनेस में आपको सिखाया जाता है कि कॉम्बैट, लॉ ऑफ आर्म फोर्सेज, आर्म फोर्सेज, कॉम्बेटिव्स, एंटी टेररिज्म, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, और रियल टाइम पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको दिया जाता है। ट्रेनिंग फॉर कॉम्बैट, कॉम्बैट ट्रेनिंग में मेजरली आपको एक्चुअल सिनारियोज बना के दिखाए जाते हैं कि अगर लड़ाई लग जाती है तो किस तरीके से आपको वहाँ पे चीज़ों को हैंडल करना है, तो ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाने वाली है। देन आता है आपका बीस्ट वीक। बीस्ट वीक में बेसिकली कुछ नहीं होता कि आपको उस वीक में सबसे ज़्यादा फटीग दिया जाएगा फिजिकली मेंटली, आपको ब्रेक करने की कोशिश करी जाएगी, बट इस टाइम तक पहुँचते पहुँचते आपका एंड्योरेंस एंड मेंटेलिटी इतनी ज़्यादा रोबस्ट हो चुकी होती है कि इसको लोग इजीली पास कर लेते हैं। देन आता है आपका टेस्टिंग वीक। टेस्टिंग वीक में आपका मेजरली टेस्ट लिया जाता है, जिसमें कि सभी सोल्जर को एक फिक्स टाइम पीरियड पे कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होता है, जैसे कंप्यूटर टेस्ट हो जाते हैं आपके, इसके बाद रनिंग टेस्ट हो जाता है, फायरिंग टेस्ट हो जाता है, तो ये सब यहाँ पे टेस्ट किए जाते हैं। देन ग्रेजुएशन वीक में मेजरली आपकी पासिंग आउट परेड की तैयारियाँ होती हैं, एंड उसमें आप फाइनली अपने जो आपकी ड्रेस होती है, वर्दी होती है, उसको चांद उसको प्राप्त करने की और बस लास्ट कदम आपका ये होता है। और एयरमैन वीक बेसिकली होता है जिसमें कि आपकी पासिंग आउट परेड होने वाली होती है। तो इस तरीके से आपका शेड्यूल चलता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जाके भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ भी हम आपको सेम नाम अग्निवीर ऑनलाइन से मिलेंगे। तो अभी जाइए, फॉलो कीजिए और ऐसी प्यार देते रहिए। जय हिंद।